ऋतिक पांडे और नताशा स्टेनक्वे की लव स्टोरी किसी मैजिक से कम नहीं है। एक है गुजरात के शहर सूरत का छोरा तो दूसरी है फिरंगियों के देश सर्बिया की गोरी मेम। तो अपने इस देसी लड़की और इंग्लिश मेम की लव स्टोरी आखिर सूरत से सर्बिया तक कैसे पहुंची, ये हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। देखिए, ये तो खैर सभी जानते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम के प्ले बॉय के नाम से मशहूर हार्दिक पांड्या की जिंदगी में कई गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं, लेकिन हार्दिक के इस लव एक्सप्रेस को फाइनल ब्रेक लगाने का काम किया है नताशा ने। और नताशा और हार्दिक के पहली बार मिलने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। तो इनसे जुड़े सोर्सेज की माने तो नताशा और हार्दिक की मुलाकात मुंबई में एक नाइट क्लब में हुई थी और यहीं से शुरू हुई थी दोनों की लव स्टोरी। दोनों के बीच धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ी और फिर दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे और डेटिंग के दौरान दोनों की फोटोज भी सामने आ चुकी है। खबर ये भी है कि दोनों ने हार्दिक की फैमिली के साथ दिवाली भी सेलिब्रेट की थी और कई मौकों पर दोनों को साथ भी स्पॉट किया गया है। इतना ही नहीं, नताशा हार्दिक के फ्रेंड सर्कल से भी काफी इम्प्रेस्ड है और वो हार्दिक की क्रिकेट पार्टीज में भी शामिल हो चुकी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनकी पिक्चर सामने आने के बावजूद भी इनके अफेयर की भनक किसी को नहीं लगी। और जब नताशा हार्दिक की सगाई की पिक्चर सामने आई तो सबसे पहले सबके मन में ये सवाल कुल बुलाने लगा कि नताशा को तो कुछ टाइम पहले नचबलिए 9 में अली गौनी के साथ देखा था, जहाँ ये दोनों एक्स कपल बनकर अपनी केमिस्ट्री और अपने नच से लोगों को एंटरटेन कर रहे थे और सबको ये भी लग रहा था कि दोनों अपने इस रिश्ते को दूसरा मौका भी देंगे। लेकिन न्यू ईयर के मौके पर नताशा इतना बड़ा बम फोड़ेंगी ये तो किसी ने भी सोचा नहीं होगा। खैर, अब तो ये गोरी मेम हो गई है हार्दिक की। वैसे आपको बता दें कि नताशा सबसे पहले बिग बॉस 8 में नजर आई थी। वहीं साल 2013 में आई फिल्म सत्याग्रह में उन्होंने एक गाने में भी काम किया था। हालांकि उन्हें बादशाह के वीडियो सॉन्ग डीजे वाले बाबू गाने से पहचान हासिल हुई थी। इतना ही नहीं, नताशा अजय देवगन की फिल्म एक्शन जैक्सन में कैमियो रोल कर चुकी है। वहीं फुकरे रिटर्न्स में वो महबूबा गाने में नजर आई थी। गोविंदा की फिल्म हाफ फ्राई में और शाहरुख खान की फिल्म जीरो में भी नताशा काम कर चुकी है। आपको बता दें कि हार्दिक और नताशा की सगाई दुबई में हुई है और दोनों ने समुद्र की लहरों के बीच एक बोट पर एंगेजमेंट की और इस दौरान इन दोनों के करीबी मौजूद थे और उम्मीद है कि इस साल ही दोनों अपनी शादी की गुड न्यूज भी सबके सामने शेयर करेंगे। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।